नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, दिनांक 15 सितंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? मित्रों, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है और इस बार धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही होगा। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे वह बातें बहुत ही सच्ची होगी लेकिन थोड़ी सी कड़वी भी होगी। तो आइए मित्रों, हम आपका कीमती वक्त गवाए बिना सबसे पहले नजर डालते हैं पंचांग पर। तो आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि 15 सितंबर को शुक्रवार का वार है, साथ में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है मित्रों। वहीं इस वक्त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है जो कि बड़ा ही शुभ नक्षत्र है मित्रों, एवं शुभ नामक योग भी बन रहा है। नाम से ही प्रतीत होता है कि यह योग बहुत शुभ है। और अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जो है मित्रों वह 11:36 तक सिंह राशि में विराजमान रहेगा। तो वहीं चंद्रमा के बाद मित्रों सूर्य जो है वह तो सिंह राशि में ही संचार कर रहा है। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले तो इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार सच्ची श्रद्धा के साथ और सच्चे दिल से जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। अगले 24 घंटों में जो भी जातक जय माता दी लिखेगा उससे एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। मित्रों इस वीडियो में हम बहुत ही खास जानकारी आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे पंचांग की, बीच में मित्रों हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसके बाद मित्रों सटीक राशि फल भी आपको जानने को मिलेगा। इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि फिजूल बातों में अपना ध्यान बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी और कुछ हासिल आपको नहीं होगा। मित्रों जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको यह एहसास होगा कि आपने आपका ज्यादातर समय मित्रों फिजूल बातों में व्यतीत किया है और समय की बर्बादी की है। आपको रिश्तों को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा मित्रों, लेकिन अगर हर बार आप ही झुकते हैं तो फिर पीछे हट जाएं, क्योंकि मित्रों कोई भी रिश्ता एक तरफा कभी नहीं होता है। अगर सामने वाले व्यक्ति को भी रिश्ते की अहमियत है तो मित्रों उसे भी झुकना पड़ेगा। हर बार आप नहीं झुकेंगे ये बात अपने दिमाग में डाल दो। साथ ही जो जातक अपना खुद का व्यापार इस वक्त शुरू करना चाहते हैं उन जातकों को बता देते हैं मित्रों कि कहीं से आपको पैसों की जो भी पूर्ति होने वाली थी वह पूर्ति अचानक से रुक जाएगी। पैसा हाथ में आता आता मित्रों अपना रास्ता बदल लेगा जिस वजह से हाथ में सिर्फ तंगी रह जाएगी। तो यदि मित्रों आपके हाथ में तंगी है, खुद का मकान खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, हर वक्त कर्ज से दबे हुए रहते हैं,
संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर मित्रों भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, या विवाह में देरी हो रही है, तो इन सब परेशानियों का हमारे गुरुजी समाधान लेकर आ गए हैं। सिद्ध अभिमंत्रित अष्ट धातु की चमत्कारी अंगूठी, मित्रों इसके धारण करने मात्र से ना जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है। मित्रों आप इसे अपने घर बैठे मात्र 499 रुपए में मंगवा सकते हैं। अगर आप यह अंगूठी मित्रों प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम आपको मित्रों इसके आगे की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसके धारण करने से न जाने कई लोगों को लाभ हुआ है। आज सुबह किसी शिवानी मीणा जी के नाम की हमारे चैनल पर कमेंट आई थी कि गुरुजी मेरा पति बहुत शराब पीता है, उसकी शराब छुटवाने के लिए हमने आपकी अंगूठी मंगवाई थी, जैसे ही अंगूठी धारण कराई है मेरे पति में अब बहुत सुधार हो रहा है, उन्होंने धीरे धीरे शराब छोड़ दी है। मित्रों सबको कल्याण हुआ है, आप भी अपना कल्याण कर सकते हैं सिर्फ छोटे से चंद रुपयों में। मित्रों लोग आजकल कई लोगों के झांसे में आ रहे हैं, कोई लोग लाखों करोड़ों रुपए ठग रहे हैं, लेकिन हम आपको ठग नहीं रहे हैं। अगर आपको गुरुजी पर विश्वास है, गुरुजी पर सच्ची श्रद्धा है, तो मित्रों आप इस अंगूठी को एक बार धारण करके देखिए, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। जो जातक यह अंगूठी धारण करेगा बालाजी महाराज उसके साथ परछाई की तरह चलेंगे। मित्रों बता देते हैं कि अपने जीवन में आपको किन लोगों को महत्व देना है और किन लोगों को महत्व नहीं देना है, इस बात का पता आपको समय रहते चलेगा। और आप भी मित्रों लोगों से बढ़कर अपने आप को अहमियत देना आप सीख जाएं, क्योंकि किसी पर भी भरोसा करने के लायक ये युग नहीं बचा है। आप सभी को बता देते हैं कि परिवार के लोगों की नाराजगी का कारण क्या है, इस नाराजगी को जानने की कोशिश करें। मित्रों समय बहुत शुभ चल रहा है, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि मित्रों बेकार के विवादों से दूर रहकर आपको किसी से भी ज्यादा उलझना नहीं है और समय को सुख एवं शांतिमय तरीके से व्यतीत करना है। दूसरों की सलाह की बजाय अपने फैसलों को तवज्जो दें तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे मित्रों। और वर्तमान समय में परिवर्तन की वजह से जीवन पर आ रहे प्रभाव को स्वीकारें, इससे आप अपनी समस्याओं का निवारण करने में सक्षम रहेंगे। मित्रों बता देते हैं कि यदि आपको जीवन में बेहतर नतीजे प्राप्त कर रहे हैं तो मेहनत भी बहुत बेहतरीन आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का भी अवसर आपको मिलेगा मित्रों। और बता देते हैं कि परिवार से संबंधित किसी भी समस्या को समय रहते सुलझा दें, क्योंकि यदि आपने देर की और लापरवाही बरती तो मित्रों पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती है। किसी भी तरह की उधारी अथवा लेन देन से परहेज रखें या सावधानी से मित्रों लेन देन करें, आपके लिए यह समय अति उत्तम चल रहा है। मित्रों आपको बता देते हैं कि अनजान लोगों के साथ बिल्कुल भी संपर्क आपको नहीं रखना है और ना ही अपनी कोई व्यक्तिगत बात किसी से भी शेयर करना है। आपको अपनी निजी एवं गुप्त बातों को
सिर्फ और सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रखना है और मित्रों बिजनेस में काम करने के तरीकों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही आपके जीवन को सुधार सकता है। मित्रों जो दुख जो नकारात्मकता आपके जीवन में थी वह परिवर्तन से दूर होगी। हालांकि फाइनेंस से संबंधित समस्या किसी परिजन की मदद से हल हो जाएगी और किसी नए कार्य को भी अपने व्यवसाय में सम्मिलित करने का विचार है तो समय अनुकूल है। मित्रों ऑफिस में स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऑफिस के लोग आपका पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, समर्पण देंगे। मित्रों आपको लोगों का कितनी वक्त मिल रहा है तो इस वक्त का फायदा जरूर उठाएं और घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। मित्रों व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय बिल्कुल भी नष्ट आपको नहीं करना है और वर्तमान मौसम का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तो पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें तथा हाइजेनिक रहें। मित्रों संबंध सुधारने से सकारात्मक में महसूस करेंगे, कोशिश के अच्छे नतीजे मिलेंगे। मित्रों और संबंध सुधारने से सकारात्मकता महसूस होगी, पूरी एकाग्रता से काम करें। काम को मित्रों अपने जीवन का हिस्सा बना लें, काम को परमात्मा मान लें। बड़ा हुआ विश्वास भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए उपयुक्त साबित होगा और फालतू खर्चों पर कंट्रोल करें और निवेश पर ध्यान दें। मित्रों करियर की नकारात्मकता दूर होगी, काम पर फोकस बढ़ेगा, रिश्तों में संयम रखें और तनाव में जकड़न आपको हो सकती है। तो आइए मित्रों अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए मित्रों कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों सावधानी हटे दुर्घटना घटे, अमावस्या सूर्य ग्रहण और त्योहारों के आसपास किसी अनजान के हाथ से किसी प्रकार का प्रसाद ना ले, मीठा खाकर घर से बाहर ना निकले, तीन या चार रास्ते मिलते हो वहाँ बीचों बीच से ना गुजरे। पहले बड़े बुजुर्ग ये बात बताते थे इसलिए सावधानी बरते हैं। मित्रों क्योंकि कहते हैं कि अमावस्या सूर्य ग्रहण और त्योहार इनके आसपास इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा आवागमन होता है। प्रसाद को कभी मना ना करें और पक्षियों को खिला दें, गाय भी जा सकते हैं लेकिन जमीन पर ना, छत पर डाल सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं। मित्रों क्योंकि ऐसा कहते हैं कि त्योहार सूर्य ग्रहण और से कुछ अमावस्या के आसपास नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती है। वही मित्रों आटा गूंदने के बाद भूल करके मत कीजिए गलती, आटा गूंदने के बाद महिलाएं आटे पर कुंडलियों के निशान बना देती है, कारण बिना निशान आटे का बोल पिंड माना जाता है जो पितरों को पिंड दान किया जाता है। फ्रिज आने के बाद बहुत से घरों में बचा हुआ गोटा आटा गोल बनाकर फ्रिज में रख दिया जाता है, यहाँ से पितृ दोष शुरू होता है और उस घर में बिना ग्रह कलेश हुए दिन नहीं निकलता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आटा ताजा प्रयोग करें, बची रोटियां गाय या पितृ को खिलाई जा सकती है। तो मित्रों इस बात को ध्यान रखिएगा, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख लीजिएगा और दैनिक राशि बल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके